हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। और मेरी आवाज़ से शायद आपको लग रहा होगा कि मैं वापस आ गई हूँ, लाइव हो गई हूँ। मेरी आवाज़ लाइवली हो गई है क्योंकि थैंक गॉड फाइनली छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो गई है, समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं और एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं। तो थैंक गॉड, मुझे लग रहा है कि मैं अब दुनिया वापस आ पाई। इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती थी, इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी ना। इतनी गर्मियाँ थी, फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, फिर रमज़ान और ये सब कुछ। तो बस आज लगा है कि जब अनाउंस हुई है उनकी हॉलीडेज, तो लगा है कि बस दुनिया में रौनक आ गई है। तो बस मैं खुशी खुशी अपने कुछ काम कर रही थी। ये मैंने ना इसके ऊपर विम डाला है। विम के जो ग्रेन्स है ना, वो इसके ऊपर जो स्टेन्स लग जाते हैं ना, जो रिमूव नहीं होते नॉर्मली, नहीं होते नॉर्मली, तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से ना रिमूव कर देता है। तो बस दिन में एक बार तो मैं ज़रूर इसको अपने हाथों से क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो बस ये मैं कर रही थी। और उसके बाद मैं जाना था अपनी ग्रूमिंग सेंटर जाना था, ग्रूमिंग सर्विसेज के लिए। घर में भी काफ़ी कुछ करती रहती हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल बंदे का काम होता है वो ही कर सकता है। और रमज़ान और बिजी रूटीन, गर्मी और बच्चों के एग्ज़ाम्स, और इस वजह से मेरी हालत काफ़ी पतली थी। और मैं बिल्कुल डिज़र्व कर रही थी कि मैं एक ग्रूमिंग का सेशन जाके प्रोफेशनली लूँ ग्रूमिंग सेंटर से। तो उसके लिए जब मैं जाने लगी तो मैंने रास्ते में कुछ देखा, तो मैं आपको वो अभी क्लिप दिखाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उससे मुझे कुछ आइडिया आया, तो मैंने कहा वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। बल्कि काफ़ी दिनों से मैं प्लान भी कर रही थी वो करने का। ये स्टोव जो है मेरा काफ़ी पुराना भी हो चुका है, लेकिन इसको चेंज करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसी के ऊपर अभी मैं मतलब मेहनत कर लेती हूँ। तो जब मैं ये निकली तो ये देखी यहाँ पे ना ग्रीन बेल्ट में अवतार का अरेंजमेंट हुआ हुआ है, और ये फ्री अवतार है, किसी भी के मतलब कोई भी आके खा सकता है। और यहाँ पे ये जाए नमाज से भी बिछी थी, नमाज का भी अरेंजमेंट था। और ये फिर मुझे बाद में पता चला कि डेली यहाँ पे ये होता है। रोज़ा अवतार हो गया था, और मेरा मी टाइम, मेरा चाय का कप और वाटर बॉटल, और मैं अंधेरे में आके आराम सुकून से अपनी चाय पी रही थी। और ये मेरा बहुत अच्छा मी टाइम होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में या मुसलमानों में चैरिटी का बहुत ट्रेंड है, बहुत चैरिटी होती है स्पेशली रमज़ान के महीने में। हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि इतनी ज़्यादा अवतार हर जगह बना के, गर्मी भी है, रूटीन भी समटाइम टफ होती है, तो दी जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हाफ के जी खजूर के पैकेट हैं, ये रेडी करवा लेते हैं, इन पर रमज़ान मुबारक भी लिखा हुआ है। और जिस हद तक जहाँ जहाँ लोगों को दे सकते हैं हम देते हैं, ताकि वो रोज़ा अवतार करें। खजूर वैसे भी हेल्दी है और सुन्नत है इसको घर में रखना। आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने ना ये चना पुलाव बनाया था, और काफ़ी दिनों बाद ये राइस वाला खाना, प्रॉपर डिनर हमारे घर में बना है। काफ़ी दिनों से बन नहीं रहा था, और ये साथ गोश्त का सालन था, क्योंकि जल्दी सो जाते थे। खाना खाने का, डिनर करने का सीरियसली टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतनी टफ और बिजी रूटीन हम लोगों की चल रही थी। तो फिर मैंने कहा जी थोड़ा सा फ्री टाइम है, सेलिब्रेशन करते हैं बच्चों के साथ मिलके। तो फिर मैं आइसक्रीम लेके आई थी, आइस लॉलीज मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो हमने कहा थोड़ा टाइम है तो चिल करेंगे। सो आई विल सी यू सून, टेक केयर।